बनाया है ठंडे दा
सूए जांदे चाल तोड़ियानो तेन दीवी हताय उत्ते पैंदे तोड़ियानो सजरे सूए जांदे चाल तोड़ियानो दुखियां दा दर्द वड़ा आए हकदार नू हक दवाए मासूम गटारा दे हुंदे असर पुकारा दे बाज नोच दे मासूम मासूम गटारा दे पत्र दिलाते हुंदे असर पुकारा दे अज दीप ते अर्पण गाए राज पारसा सच सुनाए ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बड़े ही अद्भुत सत्कार के नाल खालसा पंथ के प्रकाश पुरब नूं मनाउंदिआं बड़े ही अदब नाल जितने भी माई भाई जुड़े बैठे आओ कुछ भी कहण तों पहलां जिथे तुहाडी झोली विच सतगुरां दीआं रहमतां बख्शां पै रहीआं उस रहमत विचों एक किणका दास ढाडी जथे की झोली विच भी बख्शिश करो सन्मानयोग भैणा मतावां वीर बजुर्ग जितने भी जुड़े बैठे है और मीडिया दे माध्यम राही दूर विदेशों में बैठे भी साढ़े वीर सुन रहा है जिन्हें भी टीवी सैट की स्क्रीन उत्ते अज का प्रोग्राम वेख रहा है सारे मेरे भरा मेरिया भैणा वीर बजुर्ग कृपा करो फतेह बुलाओ कुछ कहण दी असीस बख्शिश कर दिया गज वज के चढ़ती कला विच आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह। गुरद्वारा माता साहिब कौर जी दनेशपुर उत्तराखंड की धरती अंदर पंजाब नालों भी वध श्रद्धा ते भावना रखदिया होया जिवें परसों दे दीवान कल दे दीवान ते अज दे दीवान विच तुसां बहुत वड्डा माण सन्मान बुलारिआं नूं बख्शिश कीता है अज दे दीवान विच भी बहुत वड्डी हाजरी है इह ठाठां मारदा इकट्ठ गुरद्वारा साहिब जी दे अंदर इस गल नूं दर्शा रिहा है कि तुहाडे अंदर किड्डी वड्डी भावना है तुहाडे अंदर किड्डी वड्डी शरधा है कि तुसीं खालसा पंथ दे प्रकाश पुरब नूं मनाउंदिआं होइआं साजना दिवस नूं मनाउंदिआं भावना रख के अपने मन अंदर इस पवित्र स्थान उत्ते पहुंचे हो सारिया संगतां नूं जी आया कहिंदे आ महापुरखां दी चढ़दी कला वास्ते इक जकारा लावांगे ते उपरंत मैं आप जी नाल इतिहास सांझा करना चाहुंदा सत्कारयोग बाबा बचन सिंह साहब जथेदार बाबा अमरीक सिंह जी बाबा गुरजंट सिंह जी सारी कार सेवा वाली वह महान गुर प्रणाली जिन्हां ने कृपा
ਦਾ ਯਤਨ ਆਪ वाहेगुरु। आओ एक जकारा सारी संगत नूं जी आया कहिंदे आ महापुरखां दी चढ़दी कला वास्ते ते अति सत्कारयोग बाबा कश्मीर सिंह जी सचखंड वासी जिन्हां ने इस पवित्र स्थान उत्ते महान सेवावां कीतियां उन्हां नूं चेते करदे आ वीरां वल्लों बेअंत माण भेजिया गया सभनां दी चढ़दी कला वास्ते ते महापुरखां दे नाम उत्तों आई हुई माया सफली हो सके इक जकारा चढ़दी कला नाल कृपा करो जी। बोलो सोनिहाल सत श्री अकाल। पारस ढाडी जत्थे वालों देश विदेश दीआं संगतां नूं ते तुहानूं सारिआं नूं खालसा पंथ दे साजना दिवस की खुशी अंदर लखां नहीं करोड़ां वार मुबारकबाद है वधाई है सारिआं नूं वधाई होवे। और अरदास ये करांगे महाराज जी इस धरती अंदर सदा ही यह सतखंड सचखंड नक्शा दरबार बनिया रहे और संगत इन्हां महान स्थानां दे नाल जुड़ के सेवावां करदे अपना तन मन धन सफला करदे रहन। गल चल रही सी मेरे तो पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परोपकारां दी। कई दुनिया के लोग कहिंदे आ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 14 जंग कीते आ ते कीते आ औरंगजेब बादशाह दे नाल। नहीं खालसा जी नोट कर लो मेरे पातशाह ने किसे बंदे दे खिलाफ जंग नहीं लड़िया। सियाने स्रोता जन बैठे हैं तवज्जो दे के रखियो किसे धर्म दे खिलाफ किसे विशेष व्यक्ति दे खिलाफ गुरु गोबिंद सिंह ने कोई जंग नहीं कीता कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कीता। जे 14 जंग लड़ने पे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं बदी दे खिलाफ लड़ने पे जबर जुल्म नूं खत्म करन वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं तलवार उठाउणी पई है। तलवार जब आप की औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरूं। मेरे सतगुरु कहिंदे ने जदों धर्म नूं खतरा बन जाए जदों कोई जान बुझ के तुहाडे उत्ते हमला करदा बार बार तुहानूं टारगेट करदा है ते फिर की करोगे लड़ाई करनी पवेगी जंग करनी पवेगी। और चेते रखो जंग दे तीन कारण ने लड़ाई दे तीन कारण है जर जोरू जमीन। लड़ाई होंदी है जमीन तो मैं वेखी है लड़ाई होंदी है पैसे तो लड़ाई होंदी है औरत तो। खालसा जी साढ़े देश अंदर कई एहोजियां जंगा हुई हैं जिन्हां दा कारण केवल एक औरत है। लखां बंदे मारे गए करोड़ां बंदे तबाह हो गए। जे महाभारत की गलबात सुनीए पढ़िए उहदे विच्चों द्रौपदी नूं बाहर कढ दिओ ते बाकी लड़ाई कुछ भी नहीं रह जाती। एक औरत तो लड़ाई होंदी है करोड़ां बंदिआं दा नुकसान होया। जे रामायण नूं पढ़िए जां सुणिए टीवी सैट की स्क्रीन उत्ते देखिया जाए उस रामायण विच्चों सीता नूं बाहर कढ दिओ राम ते रावण की कोई वट बने दा रौला नहीं सी कोई लड़ाई नहीं सी कारण है एक औरत। मैं वेख्या जमीन तो जंग हुंदा सके भरा इको मां की कुखों जन्म लिया एक ने टप मारिया वट उत्ते ते दूजे ने आण के ललकारा मारिया कहिंदा तेरी जुरत किवें पई कि 5 मिनट पहला तू पानी वढ लिया। मैं भी किसानां दा पुत हां तुसीं भी सारे किसान बैठे हो साडी लड़ाई किरे तो ही है जमीन तो हो रही एक चप्पे थां तो। एक भरा ने कहा तू क्यों पानी वढ्या पहला वह कहिंदा मैं वढांगा तू किवें रोकेंगा उन्हें आख्या फिर मार टप। भरा ने ललकारा मारिया एक भरा ने टप मारिया वट उत्ते जमीन उत्ते ते दूजे ने टप उहदे सिर विच मार दिता एक मर गया दूजा जेल विच सड़ गया लड़ाई होई एक चप्पे थां तो। इत्थों भी बंदियां दी तबाही हुंदी ते लड़ाई हुंदी है पैसे बदले किसे नूं पैसे दे दिओ वापस मंगोगे। अक्सर साडा दुनिया दा इह सुभाअ बन गया भी लैण लग्गे हाथ जोड़दे ते देण लग्गे
जो तुम कहोगे ना भी 50,000 रुपया सरदार जी तुहानू दिता वरतण वास्ते तो हुण कृपा करो वापस कर दिओ, तो वह दूजा ये नहीं कहिंदा भी मैं 10 दिनों तक वापस करके जावांगा, सगों आकड़ विच यह गल कहिंदा जा नहीं दिंदा मैनू गोली मार दिओ तो की करोगे। डॉक्टर साहब कहिंदे भी साडे नाल भी होई है ना, इस तरह हुंदी है। जे किसी कोलों मंगोगे वह कहिंदा मैनू मार दिओ मैं नहीं दवांगा, तो सियाणा बंदा सोच लैंदा भी यार हुण ते 50,000 दी गल है, तो जे अचानक भी मर गया ना तो 5 लाख दे के भी नहीं छुट्टिया जाना। इहनू कहिंदे आ जार जोरू ते जमीन लड़ाई का कारण है। एक तुलसीदास होया साडे देश का विद्वान, मैं बहुता होर गल इधर उधर की नहीं करनी चाहता, काम की गल करनी चाहता, सुनिए। एक तुलसीदास साडे देश का विद्वान है, वह कहिंदा लड़ाई धद्दे अक्षर तो शुरू हुंदी है, पंजाबी का अक्षर धद्दा, कहिंदा लड़ाई धद्दा धन बदले, लड़ाई धद्दा धनता बदले, धनता दा अर्थ हुंदा है औरत, ते कहिंदा लड़ाई धद्दा धरती बदले, धन धनता ते धरती। पर तुलसीदास नूं चेता भुल गया भई गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी 14 जंग लड़े आ, लड़ाई दे 3 कारण धद्दे नहीं 4 धद्दे कारण। गुरु गोबिंद सिंह ने तलवार उठाई, जंग लड़े 14, पर 14 जंगा विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने धद्दा धन धनता धरती बदले लड़ाई नहीं, सगों धद्दा धर्म बदले 14 जंगा लड़िया। गज के आखो सतनाम श्री वाह, एक बार सारे आखो उच्ची सारी सतनाम श्री वाहेगुरु। आप जो बीज बीजते ना मेरी सिद्धियां जी उदाहरण होंदियां, किसान बीज बीजदा कणक, ते बीज आपां किन्ना पाया एक एकड़ विच 42 किलो, थोड़ा बहुत किलो का वाधा घाटा हो सकता है, कोई 42 किलो कोई 40 किलो कोई 44 किलो पा देगा, पर उहदा झाड़ किन्ना निकलिया, झाड़ निकलता 25 क्वांटल 22 क्वांटल 20 तो प्लस। यह कहण का मतलब यह है भाई बीजिया बिल्कुल थोड़ा ते वड्या है क्वांटलां विच, ते खालसा जी संगत विच आए इत्थे चंगा बीज के जाओ, इत्थे चंगा बीजोगे थोड़ा जा एक बार भी जप लवांगे सतनाम वाहगुरु कह देवांगे, ते मैं गल विश्वास नाल कह सकदा है करोड़ां पाप लथ जाणगे, करोड़ां दुखां दा नाश हो जाएगा, घर विच बरकतां रहमतां आउणगियां। एक बार जिहड़े बोल सकदे जिन्हों डॉक्टर ने मना कीता साडा गिला कोई नहीं, वो तो बेचारा वैसे ही बोलना नहीं चाहुंदा, डॉक्टर ने भी आख्या भी ना बोली खतरा है तैनू, ते जिन्हों खतरा कोई नहीं जिन्हों जबान दित्ती है वाहगुरु ने, वह एक बार उच्ची सारी गूंज पाओ पता लगे सारी दुनिया नूं के सत श्री अकाल। सारी संगत एक बार गज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। कुंचावां कुरला के अज लोकी ओ जियो जियो जी, कुंचावां कुरला के अज लोकी ओ कलगी वाले नू एवें नहीं याद करदे, ओ दी अर्जी अपील सी रब अगे तू मेरी दातिया पूरी फरियाद कर दे, वाह वाह ओ मेरा पिता लिया मेरे पुतले ला हो, ओ चाहे वसदा घर बर्बाद कर दे, चुन लै नौहां दे नाल परिवार भावे ऐ, पर खालसा पंथ आबाद कर दे, तू मेरा खालसा पंथ आबाद कर दे, मेरा पिता लिया मेरे पुत लै ला, चाहे वस दा घर बर्बाद कर दे, चुन लै नौहां दे नाल परिवार भावे, पर तू खालसा पंथ आबाद कर दे। सच्चे पातशाह पढ़ते ही हो रहे सुखी बसे मोरो परिवार,
सेवक सिख सब करतार। सिखा ने कोल होके पुछया महाराज परिवार ते रहा कोई नहीं? महाराज सारा परिवार कौम तो वार दिता ते इन्ना इस तुक नू धीरज विच ते उच्ची सुर विच पढ़ दे के सुखी बसा मोरो परिवार। महाराज केड़े परिवार की सुख मंगते हो? तो महाराज ने आख्या मैं खालसा परिवार की सुख मंगता, मैं अपने धियां ते पुत्रां दी सुख मंगता हाँ जिन्हां ने साडा होण दा माण हासिल कीता है। तो याद रखो खालसा जी, सिख कौम माण करे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह उत्ते। एक इंग्लैंड दा अंग्रेज लिखारी, उन्हें बड़ी कमाल की गल लिखी है। वह कहिंदा दुनिया वाले हो सरबंस दानी वरागी त्यागी मर्द अगमड़ा, तलवार का धनी जरनैलों का जरनैल। जे हाथ विच कलम फड़ी ते हजारां छंद लिखण वाले गुरु गोबिंद सिंह, तलवार फड़ी ते बदी दे खिलाफ लड़न वाले। वह इंडिया की धरती विच पैदा होया है बिहार प्रांत विच। कहिंदा दुनिया वाले हो मैं बड़े माण नाल इह गल कहिंदा, जे किते गुरु गोबिंद सिंह इंग्लैंड की धरती विच जन्म लै लैंदे। आ गल बड़ी सुनने वाली है, कमाल की गल कही अंग्रेज लिखारी ने। वह कहिंदा इंडिया विच पैदा होए गुरु गोबिंद सिंह, ते भागां वाले हो दुनिया वाले हो ओ इंडिया विच वसण वाले लोको, खास करके ओ लोक जेड़े गुरु गोबिंद सिंह दे ओ पाशक है, ओ माण जिन्ना करन ओना थोड़ा है। कहिंदा काश गुरु गोबिंद सिंह इंग्लैंड दी धरती विच जन्म लै लैंदे। मैं गल विश्वास नाल कहिंदा असी पूरी दुनिया उत्ते गुरु गोबिंद सिंह दे नाम दा झंडा चला दिंदे। आखो एक बार सतनाम। वह दूजिया लोगों ने माण किया साडे प्यो उत्ते, साडे गुरु ने किडियां वड्डियां कुरबानियां कीतियां, रहमतां कीतियां। जिन्नी वार भी जपिया जाए गुरु का इतिहास, पढ़िया जाए सुनिया जाए, उन्नी वार ही गुरु का धन्यवाद कर दिया करो। असी गुरु का एहसान नहीं ला सकते। मेरे बहुत ही सत्कारयोग वीरां वल्लों भैणां वल्लों माण भेजा जा रहा है। मेरे परम मित्र शरीर करके मेरे तो विछड़ गए सरदार सतनाम सिंह जी गदरपुर वाले, मेरे वड्डे वीर, उन्हां दा सत्कारयोग माता जी, उन्हां दा परिवार संगत विच आया है। ते अरदास ये करियो महाराज सच्चे पातशाह जी, कृपा करियो उस विछड़ी रूह नूं अपने चरणों विच सदीव काल निवास बख्शिश करना, ते परिवार नूं सदा वास्ते भाणा बलण दा बल बख्शिश करो। आओ सारी संगत एक बार कृपा करो, अरदास करो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। आओ मेरे कलगीधर पातशाह महाराज ने 30 मार्च 1699 की विसाखी उत्ते साज के खालसा पंथ दे के अमृत की दात। महाराज सच्चे पातशाह ने गिदड़ा तो शेर बनाए, बहादुरां की कौम साजी, नाम की रखे खालसा। तो मेरे कलगीधर पातशाह महाराज जी कहते खालसा मेरो रूप है खास, मैं तुहानू अपना खास रूप बनाया। महाराज ने अमृत दिता, तो अमृत केड़ा? अमृत पिया सतगुर दिया अवर ना जाना दुआ तिया, कोई होर नहीं जेड़ा गुरु ने अमृत बख्शिया। अज भी अमृत छकन वास्ते प्रेरणा दिंदी होई है कविता, तुहाड़ी सेवा विच कहांगा जेड़ा अमृत गुरु ने बख्शिया। चेते रखण मेरिया भैणा मेरे वीर, अमृत छकिया होवे ते पिछला जन्म जेड़ा है, पिछली जात गोत संबंध ओ खत्म हो जांदा है, ते उस दिन तो सिख दा नवा जीवन शुरू होंदा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते जिहड़े पंज कतार दिते है केस, आ हुणे गल कर रहे सी ना डॉक्टर साहब स्टेज उत्ते भई दस्तारां सजाया करो, ते सरदारिया क्लब वाले वीर मेरे सारे जसपाल सिंह भुल्लर, वीर परमजीत सिंह जी, वीर नवदीप सिंह मेरे सारे मित्र है, जिथे भी कितने मिलन बाहर विदेशों में जा अपने देश में बड़ा साडा सत्कार करते हैं। वो सारे वीर ने जजमेंट की है, बच्चों दस्तार वालू प्रेरणा दी है। तो जे सिर ते दस्तार सजी हो तेन 2-4 मीटर का कपड़ा ना समझो, ये तो साढ़े सिर का ताज है। तो ताज किन्हां दे सिर उत्ते टिकदा? दुनिया के उन्हें बादशाहों के सिर पर ताज टिकदा जिन्होंने दुनिया में फतेह हासिल की हो। गुरु गोबिंद सिंह ने सानू दस्तार दे के सरदार बनाया। एक गल होर कहनी चाहना, गल्लां तो बहुत है, जी करता भी आ भी कह जवान, आ भी कह जवान। आ नौजवान वीर ते भैणा चेते रखियो, जिन्हें पाया होवे गात्रा, जिन्हें सिर पर सजाई होवे दस्तार, जिन्हें गुरु का बाणा पहने होवे वह भावें काला पीला जिहा होवे ना, उन्हें तुरे जाते भी लोग सरदार जी कहिंदे। आखो सतनाम। ट्रैक्टर से लिख के सरदारी नहीं मिलती,
कई ने ट्रैक्टर के मगराट उत्ते लिखिया हुंदा पुत सरदारां दे, कई मोटरसाइकिल ते लिखते हैं, कई बांह उत्ते लिखते हैं सरदारी, टैटू बनाउंदे आ। ते हुण ते हद हो गई है, अपनियां मुच्छां दा छड्डिया कख नहीं, सरदारां दे मुंडे ने ते मुच्छां रखा दित्तियां कार नूं विच टंगियां मुच्छां, कल्ला हस के ना चले जाओ, मेरी गल नूं पल्ले भी बन के लैके जायो, आ मुच्छ चाहीदी मूंह दे उत्ते मुखड़े ते ते सजी होवे मुच्छ, ते फिर दुनिया दे लोग कहिंदे सरदार जी जांदा, ते जे मुच्छां ही कार ने रखियां ते सरदारी इस तरह नहीं मिलती, नाले कल्लियां मुच्छां नाल सरदारी नहीं जे हुंदी, मुच्छां ते बिल्ली दियां भी हुंदियां, फिर उहनूं सरदार जी नहीं कहण लग जाईए, बिल्ली नूं सरदार नहीं नहीं कहना किसी ने, चेते रखो, कईआं ने कार च टंग लईआं, कईआं ने डिग्गी पिछे ला लईआं, थले लिख दित्ता सरदारी नहीं। और गुरु कलगीधर पातशाह ने आख्या दस्तार सजावी, मुख ते दाड़ा सजिया होवे, गुरु दा श्री साहब गात्रा पहने होवे, ते तुरिया जांदा होवे, फिर लिखण दी लोड़ नहीं, अपने आप दुनिया दे मूंह विचों निकल जाएगा, आ तुरिया जांदा सरदार जी, आ जांदा गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुत्र, ते दुनिया दे लोग सरदार ते माण कि करदे। नौजवान धी पंजाब तो आनी होवे यूपी, पंजाब तो जानी होवे बंबई, ते कदे लोग माण करदे सी, हुण ते गाणियां वाले ने साडी मत मार दित्ती आ, जेड़ा बंदा अपनी धी नूं चढ़ाउण आया ट्रेन विच बस विच, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਧੀਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਪਰ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, आ गए पग्गां पोचवियां वाले, मैं अगे नहीं कहना, सारी दुनिया ने सुनिया, पता तो सारिया नूं ही, न्याणियां नूं भी पता तो बुढ़िया नूं भी पता है, आ गए पग्गां पोचवियां वाले, ते बीबियां नूं कहता भी इन्हां कोलों बच जाओ, और दुहाई रब दी असी कोई डाकू है, दुहाई रब दी साडा एडा करैक्टर माड़ा नहीं के गाउण वालियां वीरां ने साडा करैक्टर अज धुंधला करके रख दिता है, आ सुन के चलियो पारस ढाडी जत्था, जिहड़ा अमृत गुरु ने बख्शिया ना वह अमृत छक के सिख सरदार सजण वास्ते एक बेनती इंज करदा आ रहा वे,
रखना ना पाले खोक विच रलना देना अग्नि न जाए छेड़ तन नू शिंगारे दुत मखना ना पाले खोक विच रलना देना अग्नि न जाए क्यों पैर कुहाड़ा मारदा शत मोफानी सन सारदा जग झूठा साढ़े उत्ते कृपा करके सानू अमृत की दात बख्शी जिस अमृत नू सुर नर मुन जन देवी देवते तरसदे तुर गए ते ओ अमृत खालसे दी झोली विच पाया सुर नर मुन जन अमृत खोजदे सो अमृत गुरते पाया आ डॉक्टर साहब मेरे वल वेख के इंज करदे हुण ये भी पता लगा भई मैनू ये गल कहिंदे भी जा रोटियां पका के आ के जा ये गल कहिंदे भी बीबिया नू कह भई ये जा के रोटी सच्ची पुछो मेरा जी नहीं करता मैं आखा भी बीबी उठ के चलिया जाओ इन्हां बीबिया कोलों तो चार पैसे लैने हुंदे असां इन्हां बीबिया ने सुनना सानू ते जे इन्हां विचारियां नू भेज बैठे पर ओह ना सुनेहा दिता भी रोटी फिर कित्थों खावांगे वेख लो बीबीओ तुहाडा किन्ना माण है मैं हथ जोड़ के बेनती करूँगा भई कुछ बीबिया जाओ अदब ना सत्कार ना जेड़ियां सुन दिया नहीं ते पहला प्रसादियां दी सेवा करके आओ ए जरूरी है ते जायो जरूर उत्थे सेवा करके अपना तन मन सफला करके आयो
ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਲੋਹ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ? ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਧੁੰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ, ਧੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਨ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਭਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਗੋਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਗੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਗੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦਣ ਦੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਗੋਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਰਗਾ ਵਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ 1846 ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਭਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਇਹ 1846 ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜੁੜ ਕੇ ਜਰਾ ਕਰ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵੀਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏਗਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭਾਗ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ,
ते कदे भाई लालो नूं पुछिया, महाराज जी कहिंदे लालो की हाल है? कहिंदा महाराज इस वेले वक्त दे हाकमां ने अत चुकी होई है, इस वेले बहुत वड्डा गरीबां नाल धक्का हो रहा है। ते मेरे बाबे नानक ने आख्या सी जिहड़े हाकम प्रजा उत्ते धक्का कर रहे हन, भाई लालो इन्हां नूं सोधण वाला चढ़ के आ रहा है। जैसी में आवे खसम की बाणी, फैसला करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबलों ताया, जोरी मंगै दान वे लालो, शर्म धर्म दोए शब खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे इस वेले कूड़ प्रधान होया आवेगा, बाबर बादशाह चढ़ के आया, उन्हें एमनाबाद की धरती नूं लुट लिया, इथों दे हाकम जिहड़े तिड़े होए सन, जिन्हां प्रजा उत्ते मन माने जुल्म कीते सन, वह एमनाबाद शहर गर्क कर दिता, रोड़ी हो गया। उस रोड़ी उत्ते मेरे बाबे नानक ने चौंकड़ा मारिया, कदे लालो नूं नवाजिया, उत्थे पहला गुरद्वारा बनिया, चेते रखो। दुनिया का जे कोई पुछ लवे भाई जिहड़ा बाबे नानक ने प्रचार फेरी दौरान पहला गुरद्वारा बनाया सी, वह किहड़ा सी? ते फिर असी जवाब देवांगे भाई वह पहला गुरद्वारा भाई लालो दे घर नूं बनाया, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अज एमनाबाद की धरती अंदर दल पंथ होया कट्ठा, विसाखी पुरब मनाउण वास्ते तैयारी होण लगी, खूह दीआं टिंडां विच रख के चौल, ते खालसे ने थले अग बाली भाई थोड़ा बहुता लंगर तैयार किया जाए, कई दिनों के कड़ाके है, कई दिनों के खालसे भुखे ते त्याए पंथ की सेवा कर रहे हैं, ते जे आपां अज लंगर तैयार करके इत्थे बाणी पढ़ के नाले दूजिया नूं छकावांगे, नाले आप छकांगे, ते खालसा पंथ का प्रकाश पुरब मना के अगे चले जावांगे। सिंघां ने यह विचार कीती, इत्थों दा हाकम चेते रखियो, एमनाबाद दा हाकम है जसपत, इहदा एक भरा है लखपत, ਉਹ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਤੇ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਾਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਲਖਪਤ ਤੇ ਜਸਪਤ, ਇਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟਲਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਕਮ ਜਸਪਤ, ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੋ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਘੂਰ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਕਤ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਹਾਕਮ ਜਸਪਤ, ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਸਪਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਸਪਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਮਨਾਬਾਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਸਪਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ ਜਸਪਤ,
गुस्सा बचाण के हंकारी अपनी गंदी जबान विचों सिंघां दे खिलाफ इंज कही जांदा
ਝਲਖਾਰੀ ਦੱਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਾਗੜ ਕਾ ਝਲਖਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸੂ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸੂ ਹੰਕਾਰੀ ਦੱਸੂ ਹੰਕਾਰੀ ਦੱਸੂ ਹੰਕਾਰੀ ਇਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਜਸ ਪਤ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿਮਟਾ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੂਨ 84 ਵਾਲਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਜੂਨ 1984 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ 3:20 ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ 3:15 ਤੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਬੇਟੀ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਏ ਹਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਚੀ 200 ਦਮੜਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਬੱਚੀ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਦਮੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੋਲੋ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗੱਜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਉਤਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ 5-7 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾਓ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਆ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਜਸਪਤ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘੋ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸੌ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਟਲਿਆ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ते जे ओ ना समझे ते फिर की करोगे अगो माला मारोगे के जाओ दे सामने पोथी खोल के पाठ करोगे फिर ते तेग उठानी पवेगी ना फिर शास्त्र उठाने पैणगे सचे पातशाह ने भी कहा सी चू कारज हमा हील ते दर गुदस्त हलालस्त बरदरबा शमशीर दस्त महाराज कहते तलवार के कब्जे हाथ पालमी वो तेरी अणख ते गैरत उत्ते बनता नहीं टलिया ए बापू जसू अंधारी सिंघा उत्ते हमला कर दिता एक पासे 300-400 के करीब सिंह ते दूजे पासे हजारां दी गिणती विच फौज पापी ने गोली सिक्का सिंघा उत्ते दागना शुरू कर दिता एक पासे बहुत घट गिणती ते दूजे पासे हजारां तो वध फौज सिंघा उत्ते टुट के पै गई एक सिंह निहंग सिंह जी का नाम है भाई नबाहू सिंह रंगरेटा इन्हें वेख्या भी पापी हाथी उत्ते सवार है जसपत हाथी की अंबारी विच बैठा होया ललकारे मारदा अपनी फौज नूं कह रहा सी उन्हां सिखड़ियां नूं सबक सिखा दिओ एक भी जिउंदा नहीं जाना चाहीदा एमनाबाद की धरती अंदर तलवार खड़कण लगी ढालां उत्ते खंडे तड़कण लगे रण मैदान विच लहू ते मिच दा गारा होया मानो जिवें धरती उत्ते लाल गलीचा विछिआ होवे इवें सिंघां दा खून डुलन लगा सरदार नबाहू सिंह उहने मूंह विच पकड़ी श्री साहब मारी आ छाल सूरमा आया हाथी दे नेड़े उहने पाया पूछल नूं हथ ते हाथी दीआं खुचां ते अपने पैर रख के इन्नी फुरती नाल चढ़िया हाथी उत्ते सूरमा जा चढ़िया ते इक वार दे नाल जसपत दा सिर हे इंज लाता
हाथी उत्ते चढ़ गया। एको ही तलवार का वार किया खालसे ने, इस पापी जस्सू का सिर ला के आ मारिया धरती उत्ते जिवें वल नालों कद्दू ला के तोड़ के सुट दिता जाए। खालसा जी, ये अज की पीढ़ी वास्ते इस चर्च दीआं गल्लां, अज का पढ़िया लिखा युग है तो कहिंदे भी हाथी ते बंदा चढ़ गया, पूछ नूं हथ पा के ये ढाडी झूठ बोलदे। सानू ये गल इन्हां नूं की पता है भई ये तो अज भी करके विखाया। आज जो बैरीगेट तोड़े सी ना हरियाणे दे, जिहड़ा खच्चर ने लाए सी राह दे विच बैरीगेट सालियां वाला काम करदा सी, बरात चढ़ी होवे सहुरियां दे घर जाणा होवे ढुकण लई ते मुड़ के सालियां रीबन कटाउंदियां राह च, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਗਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਮਨਦੀਪ ਨਵਦੀਪ, ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਔਲਾ ਲੱਥ ਕੇ ਜਾ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਜਰਨੈਲ ਮਰਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ, ਬੱਦੋ ਕੇ ਗੁਸਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥਾ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਬੱਦੋ ਕੇ ਗੁਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਜੱਸੂ ਨੇ ਜਸਪਤ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਪਤ ਅਤੇ ਲਖਪਤ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਸੂ ਅਤੇ ਲੱਖੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਸੀ ਲਈ। ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ, ਉਹ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕੋ, ਜਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਲਖਪਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਈਆ ਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਰੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਪੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੱਕਿਓ ਜਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਛੋਟਾ ਭਚੰਗੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੂਈ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ 3:15 ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪੱਗ ਲਖਪਤ, ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਈਆ ਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ
ਛਮਚੀਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੈ ਚਲਾਤਾ ਛਮਚੀਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ दरबार विच पग सुट के कह रहा सी तुहाडा दीवान मारिया गया मेरा भरा मर गया मैं उहदी मौत दा बदला लेना चाहुंदा हां खान साहब मैनू जे तुसी आग्या दिओ ते मैं चाहुंदा भी ओ सिख कौम दा खुरा खोज मिटा दियां जेड़े नारे लाउंदे ने राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई उहने इत्थों तक गल कह दित्ती भराओ कहिंदा सिख धर्म इक खत्री ने शुरू कीता है ते आज खत्री ही उहदा अंत करेगा इथों तक जदों ने गल कही ते जइया खां ते सिखां दा पहला ही कट्टड़ वैरी सी उह भी चाहुंदा सी भई किसे ना किसे तरीके नाल सिख कौम नूं खत्म कीता जाए उहने आखिया तैनूं आर्डर है दारू सिक्का बरूद लै जा फौजां जिन्नियां चाहीदियां लै जा पर सिख कौम सदा वास्ते खत्म कर देनी चाहीदी चढ़िया है लख पत ललकारे मारदा सिख कौम नूं बर्बाद करन वास्ते ते इतिहास कहिंदा है ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਛੱਕਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ ਜਗਤ ਭਗਤ ਮਾਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਖ ਪੱਤ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जे तू चाहुंदा ही आ भी सिख कौम नूं खत्म करना ते पहला उन्हां नाल जंग कर जेड़े सिंह हत्थां विच तलवारां लैके जंगलां विच रहिंदे जुझारू योधे उन्हां दा मुकाबला कर आ बेदोषियां लोकां नूं क्यों मारन लगा है पिंडां दे पिंड तबाह करने चाहुंदा ए चंगा नहीं एक नाले तू सोमवती मस्या वाले दिन एडा पाप ना कर हिंदू मत दे मुताबक सोमवारी मस्या कल भी मस्या लंघ के गई ਇਹ ਬੱਸਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ
इन्हें पापी ने सोमवती मस्या वाले दिन कतलेआम शुरू किया है लाहौर की धरती अंदर। ये उस्ताद पंडित जगत भगत ने आ के ये गल कही है भी घट्टो घट इस गल की साड़ी बेनती मान लिया भी मस्या वाले दिन ही ना आए काम कर, बड़ा पवित्र दिन होंगे। इन्हें अगों अपने उस्ताद को एक जवाब दिता, वो जवाब की सी, कहिंदा पंडित जी तुहानू सरकारी कामां विच नहीं आना चाहिए, जाओ जाके माला फेरो, अपना काम करो, साडे काम विच टंग ना आओ, जो मैं करना चाहना मैं सोच लिया तुसी चले जाओ। उस्ताद की करदा वापस आ गया, ए पापी ने कतलेआम कर दिता शुरू। लाहौर की धरती अंदर सिखां उत्ते तलवार चलन लगी ते चार चुफेरे खून दियां नदियां वगण लगियां। चेते रखो गुरद्वारा डेरा साहब का ग्रंथी ओदा नाम है भाई हरचरण सिंह जी, एक नाम ओदा आया भाई हर कीरत सिंह, दो नाम है इतिहास विच बहुता प्रचलित होया भाई हरचरण सिंह। यह गुरद्वारा डेरा साहब का ग्रंथी है, ओदे कोल बैठी ओदी धर्म सपत्नी, ये मामा दे सुनने वाली गल, ओदे कोल बैठा निक्का जिहा बच्चा। ते खालसा जी चेते रखो जो जसपत ने कीता सी जुल्म, उन्हें उस जुल्म दे विच अपनी जान गवा ली, तेरा भरा कतलेआम कर रहा है, गुरद्वारा डेरा साहब का ग्रंथी बैठा, घर वाली बैठी ओदी निक्का जिहा बच्चा है, ते जो पापी सारियां नू कतल कर रहा सी, ते उस बीबी ने एक बेनती की अपने पति नू, गुरद्वारा डेरा साहब के ग्रंथी की घरवाली कहन लगी, पति जी मैं एक बेनती करनी चाहनी है। उन्हें आख्या दस भागां वाली है, की कहना चाहनी है? कहिंदी है जे तुहानू शहीद कर दिता, जे मैनू शहीद कर दिता जालमा ने, आ निक्के जे बच्चे नू किसे कारण छड़ दिता, ते वड्डा होके सिखी तो पतत हो गया, ये वड्डा होके केस कटा देगा, ये वड्डा होके शायद माड़ी संगत विच रल जाएगा, ते मेरी कुख नू दाग लग जाएगा, तुहाडे पवित्र खून नू दुनिया के लोग शायद उन्ना सत्कार ना देन जिन्ना तुहाडा बनता है। ते मैं एक बेनती करनी चाहुंदी हाँ, मैं बच्चे का गल घुट देनी है, ते जदों बच्चा शहीद हो जाएगा ते तुसी गुस्से विच आण के मेरा गल घुट दिओ, ते मैं भी तुहाडे सामने दम तोड़ जावांगी, ते तुहानू ते शहीद कर ही देना वक्त दी सरकार। जदों इह गल आखी ना, थोड़ा जिहा एकाग्रता बहुती अपने बनती नहीं ना दीवाना विच, इह गल टिकवी है बड़ी गहरी, कहनी सौखी है सुननी सौखी है, पर इहनू जिन्ना प्रैक्टिकल रूप दिता ना उन्हां वास्ते बहुत वड्डी कुरबानी। घरवाली कहिंदी बच्चे का गल घुट देनी है, मार देनी निक्के जिहे बच्चे नू, तुसी मेरा गल घुट दिओ ते तुहानू इन्हां ने शहीद कर देना, आपां तिन्ने जिहड़े आ धर्म विच रह के कुरबानी कर जाइए, किते धर्म नू छड्ड के ना मर जाइए। ते अज असी धर्म नू छड्डी बैठे हां, अज असी परवाह ही नहीं करते भाई सिक्खी किड्डी महंगी मिली है, आ सिक्खी बदले किड्डियां वड्डियां कुरबानियां होईयां। जदों पापी सुन रहे सन कि बीबी कहिंदी है बच्चे नू पहला मारिए, वह कहिंदी है मैं भी शहीद हो जावां, ज्ञानी नू कहिंदी है कि तुहानू वक्त दी सरकार ने शहीद कर देना, लखपत कहन लगा इन्हां दा चा पूरा कर दिओ, शाही तलवार आई बेमियानी तलवार, अज तिन्नां नू शहीद करन लगी है। जिहड़ा दिल ते हथ रख के सुनियो, गुरद्वारा डेरा साहब दा ग्रंथी चौंकड़ा मार के बैठा है, कोल खलोती उहदी धर्म सपत्नी, ते निक्का जिहा बच्चा मां दी गोद विच है, तिन्नां उत्ते वारी वारी तलवार चली, ते कौम दी खातर छोटे घल्लू घारे विच गुरद्वारा डेरा साहब दा ग्रंथी, उहदी धर्म पत्नी ते निक्का जिहा बच्चा कुरबानी कौम वास्ते इंज कर गया वा।
तलवार सी उलाती, बारी बारी तलवार सी उलाती, तिन्ना ने धर्म में युद्ध तो जान वारती, तिन्ना ने धर्म में युद्ध तो जान वारती। सुन के हुक्म लखू दी जबान चो, सुन के हुक्म लखू दी जबान चो, पापियां तेग सूत ले मियान चो, पापियां तेग सूत ले मियान चो। बारी बारी तलवार सी उलाती, बारी बारी तलवार सी उलाती, तिन्ना ने धर्म में उतो जान वारती, तिन्ना ने धर्म में उतो जान वारती। पहली नाल फीस लाया सिंह साहब दा, हो गया शहीद लीडर पंजाब दा, हो गया शहीद लीडर पंजाब दा। हाहाकार खड़ी जनता पुकारती, हाहाकार खड़ी जनता पुकारती, तिन्ना ने धर्म में उतो जान वारती, तिन्ना ने धर्म में उतो जान वारती। कुल तारती सोरे हाथ पेकिया दी कुल तारती, तिन्ना ने धर्म में उतो जान वारती, तिन्ना ने धर्म में उतो जान वारती। कतल न्याणे नू उठ गया पार छड के टिकाणे नू, उठ गया पार छड के टिकाणे नू। फुल्ला जेही देई दुखरे सहाती, फुल्ला जेही देई दुखरे सहाती, तिन्ना ने धर्म में उतो जान वारती, तिन्ना ने धर्म में उतो जान वारती। पहुंच गए सरोते गुरु स्थान ते, पहुंच गए सरोते गुरु स्थान ते, किसा नाल पूरी सिक्की है तारती, किसा नाल पूरी सिक्की है तारती, तिन्ना ने धर्म में उतो जान वारती, तिन्ना ने धर्म में उतो जान वारती। Thank you.
ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰਤ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰਤ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚਿਣਕੇ ਹਚਿਖਾ ਤੇ ਅਗਨ ਡਾਰਦੀ ਚਿਣਕੇ ਹਚਿਖਾ ਤੇ ਅਗਨ ਡਾਰਦੀ महान शहीदां दी कुर्बानी नूं प्रणाम करदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। पत्नी भी शहीद हो गई, बच्चा छोटा जिहा भी शहादत दे गया, ज्ञानी जी का भी सीस धड़ नालों वखरा कर दिता गया, तिन्हां ने धर्म तो हस के जान वार दित्ती। लखू ने चार छफेरे जुल्म की इंतार कर दित्ती, सिंघां नूं लभदा लभदा कानू आंदे शंभा विच आया। इत्थे आण के जंगलों में बैठे सिंघां नूं पकड़न वास्ते पापी ने जंगल नूं अग ला दित्ती। याद रखो इसे जंगल में सरदार चरत सिंह, सरदार सुखा सिंह मारी कंबोकी वाला, सरदार शाम सिंह नारले वाला, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार जस्सा सिंह आलू वालिया, यह कौम के महान योधे, वह शहीद जिन्हां उत्ते अज कौम माण करदी है, वह जंगल में बैठे सन। पापी नहीं हटिया, नहीं टलिया, सिंघां उत्ते बार बार हमले करता रहा। मिनट रह गया साढ़े को चार फतेह बुलाने वास्ते, पर ये सानू तरीका होंदा है भाई किहड़े तरीके नाल। डॉक्टर साहब चलो आप नहीं लाउंदे वार, हुण आप समाप्ति वाल आ जाइए, पर जिन मैं एक जुम्मेवार बंदा है, मैनू पता है भाई पिछे भी जत्था बैठा है, पहले भी जत्थे बोल के गया है, मैं कुत्ता ही नहीं करांगा। मेरा अपना एक सुभा है, और तुसी मेरे सत्कार योग हो, बाबा जी सारी टकसाल ही, सारी जथेबंदी बेअंत सत्कार दिने हो, प्यार दिने हो, और दिनेशपुर मेरे वास्ते एक चानण मुनारा है। तुसा मैनू पालिया है, तुसा मैनू प्यार दिता है, तुसा मैनू दुनिया दे विच खलो के कुछ कहण दे योग बनाया है। मैं इस धरती नू अपना मक्का मदीना समझदा, बिल्कुल सच्चाई कह रहा स्टेज उत्ते। मैं दो स्टेजां दा अपना दिलों सत्कार करदा, एक दिनेशपुर की स्टेज का, एक बीड़ बाबा बुढ़ा साहब चबहाल। जो मैं नवा नवा जथा बनाया ना ढाडी कवीशरी कला, मैं इतों शुरू की है, दिनेशपुर उत्तराखंड तो निका जहा हुंदा आया। बाबा जी ने मेरा नाम रखिया बलबीर सिंह पारस, मेरा नाम सी बलबीर सिंह रंधावा, मैं अपनी मर्जी ने आपे ना रखी फिरदा सी, पर बाबा जी कहन लगे नहीं, अज तो बाद बाबा कश्मीर सिंह होरां नूं याद करके अज भी मन भर आउंदा है। उन्होंने दिलों दुआवां दित्तियां, दिलों प्यार दिता, कहिंदे रंधावा नहीं, यह अपनियां कोई जातां गोतां नहीं आपां नाल लाउणियां, असीं अपने पुत दा नां रखणा बलबीर सिंह पारस। ते उन्हां दे मुख विचों ऐसा नाम निकलिया, मैं कहना भई वह पूरी दुनिया के कोने कोने भी चलिया गया, जिथे सिख वसदा है वह तुहाडे इस खाकदार नू अपने पलकों उत्ते बिठा के सत्कार दिंदा है। मैं बाबा कश्मीर सिंह होरां दा कदे सारी जिंदगी देण नहीं दे सकदा, इस पवित्र धरती का सदा वास्ते करजदार। ते बीड़ बाबा बुढ़ा साहब चबहाल, जदों मैं पहली बारी ढाडी जथा बना के गया ना, ते बाबा दर्शन सिंह जी सचखंड वासी बीड़ साहब वाले, उन्होंने एडा सत्कार दिता, एडा प्यार दिता। 500 रुपये में मैं पहला दवान लाया बीड़ बाबा बुढ़ा साहब, तो समाप्ति नहीं हुई। अज असी उत्थों हजारां रुपये लैने, 35-35, 40-40 हज़ार भेटा, तो 2017 बीड़ बाबा बुढ़ा साहब चबहाल की धरती अंदर मेरे जथे नूं सोने के बिस्कुट नाल सत्कार दिता गया। गल 500 तो शुरू हुई, तो 1,35,000 रुपये का सत्कार दे के उन्हां महापुरखां ने भी नवाजिया। मैं दोवां स्टेजां दा दिलों कदर करदा, और मैं समाप्ति करनी चाहुंदा कि सिंघां दे पिछे पिया लखपत उत्थे कानूवाल दे जंगलां नूं अग लाउंदा। इक दिन विच इह छोटे घल्लू घारे विच 12 तों 15 हज़ार सिखां दा बाल बच्चा ते सिख शहीद हो गए। एक बार उन्हां शहीदां नूं प्रणाम करो ते गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। आ उन्होंने विसाखी पुरब मनाया, कौम लई खून डोल के भी खालसे नूं नहीं भुलाया, इन्हां शब्दां दा धन्नवाद करदा। आओ छोटी जी बच्ची ने कविता कहनी है, काका सुखमन, ये बच्ची का सिदक बड़ा है सैकटरी साहब, मैं वेख्या है, मेरी स्टूडेंट है, मेरी शागिर्द
निक्की जी बच्ची मेरी धी है यूपी की बच्ची पर कृपा एडी है भी जदों की आँगी स्टेज पर चौंकड़ा मार के सिदक ना बह जाती है जदों टाइम मिलेगा ना उदों ला लेंगे तो उस बच्ची नूं भी 5-7 मिनट दे के जरूर नवाजियो बाद विच महापुरखां ने हाजरी भरनी है आओ साडे नाल बुलाओ फतेह नीयत कीता समा डॉक्टर साहब सूई वाल वेखो अच्छा नहीं सूई वाल वेखो पहलों फिर तुहानूं पता लगेगा पार सोहणी वेख लो ऐन पूरे टाइम ही समाप्ति करदे आ ना ते हुण सारे फतेह बुलाओ गज के जे ते साडी सेवा होई आ प्रवान ते फिर सारयां ने कृपा करनी आ वीरां ने भैणां ने गज के चढ़ती कला विच फतेह बुलाउणी है वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।